बहुत शुक्रिया जेएनयू को, बहुत सारा सलाम। सलाम है तो वो लाल ही होगा ये मैं जानता हूं। मैं आज अपने आप, मैंने अपने कुछ दोस्त हैं उनसे गुजारिश करी कि मैं इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं, आपका हिस्सा बनना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके साथ हूं। ये सच है कि एक तरफ बहुत सारा शोर है और एक तरफ कुछ अच्छे लोग बैठे हैं। मैं तन्हा खड़ा हूं, एक तरफ पूरी फौज है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा एक शेर याद आ रहा है कि जिंदगी के नाम पर जहां से गुजरता कौन है, जिंदगी के नाम पर जहां से गुजरता कौन है, मौत की बातें तो सब करते हैं, मरता कौन है। मैं तेरी लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, मैदान में होगा कि मरता कौन है। मैं आपसे कभी इस बात का हामी नहीं हूं कि गाली का जवाब गाली से दिया जाए, लेकिन ताली का जवाब जरूर ताली से दिया जाए। आज की शाम में होना चाहिए। कन्हैया जहां भी हो उन्हें बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार पूरे हिंदुस्तान की तरफ से। मैं आपके लिए पूरे देश के मंचों पर लगातार मुसलसल लड़ाई लड़ता रहा, आपके साथ खड़ा रहा, चार पंक्तियां पढ़ता हूं, थोड़ी देर आपके बीच में हूं, आप सुन सकेंगे तो थोड़ी देर आपको कुछ अच्छा अच्छा सा सुना सकूंगा। चार पंक्तियां पढ़ता हूं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं कि वो आपको सुनाऊं। पढ़ता सुनेगा। था शहंशाह को गुरूर बहुत, आप पढ़े लिखे लोग पहुंच जाएंगे मैं जानता हूं, मेरा इशारा समझेंगे आप सारे लोग। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, कल थी जो 56 इंच की छाती। अगली पंक्ति पर आपकी दुआएं मिले। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिखो, कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। ये मेरी खुशनसीबी है कि जी देखिए, ये सच है कि एक तरफ तमाम संसाधन इस्तेमाल करके माइक लगाए गए हैं, ये सही आवाज आई है, यही आवाज की जरूरत थी। शहंशाह को गुरूर बहुत, तुमने उसका गुरूर तोड़ दिया, कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ करके बैठा तो सामने मेरे लिखा हुआ है बोल के लब आजाद है तेरे, लेकिन सच ये है साहब कि देश में उन्हीं आजाद लबों को सिलने की कोशिशें जारी हैं। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके रुका था वहीं दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी, कोशिश की जा रही है साहब, उसी से जंग लड़ने की जरूरत है, उसी से आजादी मांग रहे हैं। हाँ, हम भी आजादी मांग रहे हैं। कैसा कैसा मंजर देख रहा है हमारा देश। एक शख्स है जो दूरबीन लेकर के हवाई जहाज में सवार हो रहा है, इसलिए ताकि ऊपर जाकर के देख सके कि दुनिया का कौन सा मुल्क बच गया है घूमने के लिए। और मुझे तो ये लग रहा है कि श्री श्री विजय माल्या जी भागे नहीं, बल्कि इसलिए भगाए गए हैं ताकि उनके भरोसे 30-40 और मुल्क घूमा जा सके। ये हाल है साहब, एक तरफ खुदकुशी कर रहे हैं, 3200 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी करी है, आपके आपके नाम पर हल्ला मचा करके कल 1,25,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया, किसी को पता तक नहीं चला, राष्ट्रवाद का चूहन फांक रहे हैं लोग और हमारे आप पर निशाना लगा हुआ है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि खुदकुशी कर रहा किसान मगर, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बोलूं, खुदकुशी कर रहा किसान मगर उनको दौरों से कहां फुर्सत है, जी तो कहता है चीख कर कह दो ऐसी सरकार तुझ पे लाल,
लानत है। मैं चार बंगते और बोलता हूँ साहब, अच्छे दिन लाए जा रहे हैं, क्या खूब अच्छे दिन लाए जा रहे हैं साहब। मैं हिम्मत करता हूँ, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। प्रतीकों से वार किया जा रहा है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, जरा सा प्रतीकों के माध्यम से बात करने की कोशिश करता हूं कि मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, इस आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है, के नारों से गवैया से लड़ाई है। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, उन्हीं कंसों की अपने इस कन्हैया से कन्हैया से लड़ाई है। आपने तो बिल्कुल मुशायरे वाला माहौल बना लिया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ज्यादा सुना सकूँ, इसलिए दोबारा नहीं सुना रहा हूँ। मेरी भी कोशिश है कि बहुत खूबसूरत मौका है, ज्यादा सुना लिया है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नहीं, मैं भी जान रहा हूँ कि मैं रात भर आपसे रूबरू रह सकता हूँ, लेकिन कुछ और लोगों को भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ साहब। ऐसा मंजर आपने देखा होगा साहब कि दो उद्योगपतियों को लेते हैं और एकाएक हवाई जहाज लैंड कर जाता है। नाश्ता काबुल में हो रहा है, लंच लाहौर में हो रहा है, हिंदुस्तान तो सिर्फ खाली होने के लिए आ रहे हैं साहब, उसके बाद फिर किसी के साथ। बहुत शुक्रिया। और हमारे एक बड़े मित्र हैं संपत सरल, वो तो क्या गजब की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कैसे खुशफहमी पाले हुआ शख्स हमें नसीब हुआ, कितनी खुशफहमी है साहब उन्हें। वो भाषण देते रहते हैं तो कभी कभी कहते हैं कि मित्रों, मैं चाहता तो मैं प्रधानमंत्री तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पहले भी बन सकता था, लेकिन मैं तो ये सोच के नहीं बता कि चाय कौन बेचेगा साहब। कितनी खुशफहमी पाले हुए हैं साहब वो। आपको याद होगा हमारे देश का एक सैनिक शहीद हुआ था, उसकी शहादत को सलाम करता हूँ, उसका सर नहीं वापस आया था। शहीद हेमराज की शहादत को सलाम करता हूँ। कितने दिन संसद यह कहकर नहीं चलने दी गई थी, जब तक एक के बदले 10 सर नहीं आएंगे संसद नहीं चलेगी। लेकिन पिछले पूरे यूपीए के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितना पिछले 16-17-18 महीनों में मारे गए। चुप है साहब, सब चुप है साहब। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। पड़ोसी मुल्क का सफर, मेरी पंक्तियां के शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए, शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पांव छू करके, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए। वो पड़ोस में जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं, अच्छा लगता है कि वो हिंदुस्तानी तहजीब को दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के अपनी मां को याद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो शुक्र है उनके अंदर एक दिल भी है जो कहीं ना कहीं मासूम एहसासों पर धड़कता भी है। लेकिन मैं उनसे बहुत 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 मोहब्बत से बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माएं इस देश में और भी हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, अगर सच्ची लगे तो आपकी दुआएं मांगता हूँ।
कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो मां को याद कर परदेश में आंसू बहाता है। वही बात जब आपने कहा था कि अगर वो उसमें मेरी मां शामिल नहीं है तो मैं ठुकराता हूं ऐसे ऐसे राष्ट्रवाद को। मैं बोल रहा हूं, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, जो मां को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू तालियों का शोर थोड़ा और बुलंद करें, उधर संख्या और कम हो जाएगी। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। मेरी जिंदगी का भी बहुत अनूठा अनुभव है। एक ऐसा मंच सजा होता है, सामने हजारों की भीड़ होती है, स्टारों की तरह पहुंचना होता है, आपका इंतजार हो रहा होता है, लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां मैंने बैठ करके क्लासेज ली, सुना, इंतजार किया अपनी पारी का। ये सिखाता है, ये जेएनयू सिखाता है मुझे मलाल है। मैंने इस बात को अपने स्टेटस पे भी अपडेट किया फेसबुक पे, मुझे मलाल है कि मैं जेएनयू का छात्र क्यों नहीं रहा। मुझे अफसोस है इस बात का, अपनी भीड़ के सामने, पूरे देश के सामने वादा कर रहा हूं कि अपने एक आध बच्चे को जेएनयू में जरूर पढ़ाऊंगा। काश पूरा हिंदुस्तान जेएनयू जैसा हो जाए। मैं चीख चीख के अभियान चलाया जा रहा है साहब, अभियान चलाया जा रहे हैं। एक अभियान चला के कुछ कचरा इकट्ठा किया गया, फोटोग्राफर बुलवाए गए, और उसके बाद दूसरे दिन अखबारों में मोटी मोटी हेडिंग छपी, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है साहब, आप जो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरे भी अपने कुछ दर्द हैं, जनता के भी कुछ दर्द हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, झाड़ू से मदारी के किसी करतब। मैं एक बार फिर से अपने बहुत प्यारे दोस्त रवि प्रकाश, मेरे बड़े भाई की तरह, उनका शुक्रिया, रवि रंजन का शुक्रिया, अनमोल का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में शायरी के जरिए बहुत कुछ हासिल किया होगा, लेकिन आज जेएनयू में सामने बैठे हुए जंग लड़ने वाले लोगों से जो दुआएं हासिल हुई है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। बहुत छोटी सी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक थोड़ी देर 5-6 मिनट और रूबरू रह सको, इतना वक्त तो शायद मेरे ख्याल रहमान आगा भाई होगा भी। मैं एक नज्म आपको सुनाना चाह रहा हूँ, आप अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा आपकी और दुआएं मिलेंगी। एक नज्म पढ़ता हूँ, सुनेगा, के गोडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, खड़ा हूं मैं कन्हैया के साथ, खड़ा हूं मैं उमर खालिद के साथ, खड़ा हूं मैं रामा नागा के साथ, खड़ा हूं अनंत के साथ, सबको गिरफ्तार करिए। आप नहीं तय करेंगे कि राष्ट्रभक्ति की परिभाषा क्या है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, नवाज देवबंदी ने कभी एक शेर कहा कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके
तो उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, गोडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का, गोडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। वक्त से आंख मिलाइए, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त तुमसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था वो वक्त से आंख नहीं मिला पाए, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। लड़ना पड़ेगा, वोट से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का, गुड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। पहला बंद बर्दाश्त नज्म का, कि वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे, जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। भी थोड़ी और कम भी है, एक आखिरी नज्म सुनाता हूं आपको, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से आपके साथ खड़ा हूं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त अभिषेक यहां है विश्वविद्यालय की तरफ से, मैं ऋचा की तरफ से उस विश्वविद्यालय का छात्र हूं, एक नज्म सुनाता हूं। जी मैं पढ़ दूंगा, पहले एक नज्म सुनाता हूं। ये जो नारा लिखा हुआ है कि बोल के लब आजाद है तेरे, सारी जंग साहब इसी बात की है, आप पर तो पहले से ही पांच जन्म पीछे पड़ा था, उसने तो सर्टिफिकेट दे ही दिया था कि आप आजाद हैं इसलिए आप गद्दार हैं, इसलिए आप देशद्रोही हैं, बात सिर्फ आजादी की है साहब। लेकिन जेएनयू में खड़ा होकर तो पूरे जेएनयू की तरफ से एक नज्म पढ़ता हूं, जेएनयू बोल रहा है मेरी इस नज्म में, आपकी तालियां शामिल होंगी तो शायद ये नज्म अमर हो जाएगी। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास, ये बहुत बुरा दौर है, ये सच है कि अगर आज नहीं खड़े हुए तानाशाह के तानाशाही के खिलाफ तो शायद कल को खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। मैं नज्म शुरू कर रहा हूं कि आजाद था आजाद है आजाद रहेगा, शटडाउन जेएनयू, हैशटैग चला रहे हैं साहब, तब मैं नज्म पढ़ रहा हूं, वो बंद करना चाहते हैं, वो बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन यहां हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, मैं उनकी तरफ से नज्म पढ़ रहा हूं कि आजाद था आजाद है आजाद रहेगा, आजाद था आजाद है आजाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है आबाद, आजाद है आजाद रहेगा, इतिहास को ये लम्हा, आप दर्ज हो रहे हैं इतिहास में, आप ये ना समझिएगा कि आप छोटी जंग लड़ रहे हैं, आपका एक एक वक्त एक एक लम्हा इतिहास में दर्ज हो रहा है कि आजाद था आजाद है आजाद रहेगा, इतिहास को ये लम्हा सदा याद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है आबाद रहेगा, आजाद था आजाद है। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, कि पूरा
फारस को बता दो, ये सिकंदर को बता दे, फारस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे, फारस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे, हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे। अगली पंक्ति में तालियां उठे आपकी, जाए उनके कानों तक, कि हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता। बता दे, ये सिकंदर को बता दे, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे, हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे। ख्वाब देखा जा रहा है, लेकिन मैं चीख चीख कह रहा हूं कि पहले भी रहा, इंशाल्लाह आबाद रहेगा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस लफ्ज़ का साथ। जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है। शिकायत यही है साहब उनको, सिर्फ और सिर्फ कि हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है, दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है, दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है, चिंगारी जो ये उठी है इंकलाब की। अगली पंक्ति में याद करना है शहीद को कि मैं बोलूं तो कहते हैं कि तू बोल रहा है, दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है, चिंगारी जो उठी है यहाँ इंकलाब की, ये कुछ नहीं रोहित का लहू। फौज है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा एक शेर याद आ रहा है कि जिंदगी के नाम पर जहां से गुजरता कौन है, जिंदगी के नाम पर जहां से गुजरता कौन है, मौत की बातें तो सब करते हैं मरता कौन है, मैं तेरी लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, मैदान में होगा
दुनिया के मता कौन है। मैं आपसे कभी इस बात का हामी नहीं हूं कि गाली का जवाब गाली से दिया जाए, लेकिन ताली का जवाब। बहुत शुक्रिया जेएनयू को, बहुत सारा सलाम। सलाम है तो वो लाल ही होगा ये मैं जानता हूं। मैं आज अपने आप, मैंने अपने कुछ दोस्त हैं उनसे गुजारिश करी कि मैं इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं, आपका हिस्सा बनना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके साथ हूं। ये सच है कि एक तरफ बहुत सारा शोर है और एक तरफ कुछ अच्छे लोग बैठे हैं। मैं तनहा खड़ा हूं एक तरफ को गुरूर बहुत आप पढ़े लिखे लोग हैं, पहुंच जाएंगे मैं जानता हूं, मेरा इशारा समझेंगे आप सारे लोग। शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, जरूर ताली आज की शाम में होना चाहिए। कन्हैया जहां भी हो उन्हें बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार पूरे हिंदुस्तान की तरफ से। मैं आपके लिए पूरे देश के मंचों पर लगातार मुसलसल लड़ाई लड़ता रहा, आपके साथ खड़ा रहा। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, थोड़ी देर आपके बीच में हूं, आप सुन सकेंगे तो थोड़ी देर आपको कुछ अच्छा अच्छा सा सुना सकूंगा। चार पंक्तियां पढ़ता हूं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं कि वो आपको सुनाऊं। पढ़ता सुनेगा।